ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर मित्र, संपर्क है तो 9437580589 या फिर 9938727418, मेल आई डी SANJYZE75@gmail.com, उड़ीसा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय। ढेर सारे कॉन्फ्यूजन और प्रश्न उत्तर ही मेरे पास आया बृहस्पति और मेष राशि और उसके ऊपर ग्रह दृष्टि प्रभाव शास्त्रीय मत के अनुसार और ज्योतिर्वेद, वेदांग ज्योतिष, सारावली और पारिजात, इन सब के अनुसार अगर विचार करते हैं हमारे सूत्रकार क्या बता रहे हैं, सूत्रकार के मतानुसार एग्जैक्टली क्या है। अत्युग्रतो नृपति प्रणतानां मादर्भं भजति जातः, धीरः संग्राम रुचिर विना दुष्टि शशि निमेषे। यानी शनि, ए सॉरी, मेष राशि के चंद्रमा के ऊपर किन ग्रहों दृष्टि का क्या परिणाम होगा, तो सूत्रकार लिख रहे हैं, दंताक्षरो गतस्तः शिखिवात दीक्षित शरीरः, मांडलिकः स्यान्येषे कुजदृष्टे शशिनी भूतार्थः, नाना विद्याचार्य सत्वकाः साननोभीष्टः, बुध दुष्टे मेषेस्ते निशाकरे सतकवि विपुला कीर्तिः, बहुभृत्यधन संवृद्धो नृपते सचिवश्च भूपति बाप्रीः, मेषे गृहे हिमरश्मि दुष्टे गुरुणा पुमान् जातः, सुभगः सुतधनयुक्तो वरयुवती विभूषणाल्पभोक्ता च, मेषे शिशिरमयूखे भृगुतनय निरीक्षते भवति, विद्विष्टो बहुदुःखो दरिद्रयतनु मलिमसीनुतवक्, मेषे शिशिरमयूखे रवितनय निरीक्षते भवति। किन किन ग्रहों को मेष राशि के बृहस्पति को दृष्टि डाले और खाली मेष राशि को दृष्टि डाले, दोनों का हम लोग अंतर देखेंगे। सबसे पहले मेष राशि के ऊपर अभी सबसे पहले जिन जिन ग्रहों का दृष्टि आने वाला समय में आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला अभी शनि देख रहे हैं मेष राशि के ऊपर, और केतु देख रहा है, और अब मंगल देख रहे हैं, और आने वाले समय में बुध, शुक्र और सूर्य भी इसके ऊपर निरीक्षण करेंगे, और जहां पर अभी राहु और गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले राशि को देखते हैं, फिर गुरु बृहस्पति को देखते हैं। तो जब रवि यानी 2 महीना के बाद यहां दृष्टि डालेंगे, उस समय गुरु रहेंगे, तो क्या रहेगा, जातक के अंदर गर्म मिजाज बढ़ेगा, राजा और जितने सारे बड़े व्यक्तियों के प्रति भद्रशाली व्यवहार होगा, धीर होगा, और उच्च का दृष्टि आने के कारण व्यक्ति संग्रामी होता है। अच्छा, अभी मंगल दृष्टि डाल रहे हैं मेष राशि के ऊपर, तो क्या, दंता चक्षु रोगे पीड़िता। अब देखो, अपना घर को देख रहा है लेकिन वहां राहु और गुरु बैठा है, तो दांत और रोग, आंख में रोग का प्रॉब्लम। अग्नि बात वायु, अग्नि जनित जलन और वायु जनित पीड़ा, और शरीर में विकृति आ सकता है, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शनल डिजीज। फिर क्या है, मूत्र कुछ जैसे रोग बना देगा, नीच का सूर्य हो जाता है, नीच का मंगल, ए सॉरी गलत बोला, मंगल का अपना दृष्टि वहां जाके। उसके बाद पीछे पीछे बुध आएंगे, बुध देखेंगे, बहु विद्या प्रवीणो सत्य वक्ता महामनाहा, तो यहां पर क्या होने वाला है, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, सत्य वक्ता बनेंगे, महामानी बनेंगे, और कवित्व, कवि लोग अच्छा कविता करेंगे और यशस्वी बनेंगे। मेष राशि में बृहस्पति का जो बेसिक फल है, बहुभृत्य धन युक्त, तो बहुत सारे नौकर चाकर आएंगे,
राजा, मंत्री, सेनापति इत्यादि का योग बनेगा। वो आपको पूछेंगे, आपका कीमत बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे हाई पावर लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा। अच्छा, ये ग्रह वहां गुरु बृहस्पति का। अभी शुक्र का दृष्टि क्या परिणाम देगा, इसके ऊपर विचार करते हैं। मेष राशि के ऊपर शुक्र दृष्टि। भाग्यवान धन पुत्र युक्तो सुंदरी स्त्री प्राप्ति ही, और भूषण परिहिता अल्प भोजी, तो ये सारे फल अभी मिलने वाले। अच्छा, शनि देख रहा है कस के मेष राशि के ऊपर इस समय, और ये और 1.5 साल देखेंगे। ईर्षा परायणो अति दुख दरिद्र मलिन मिथ्यावादी ही, देखो ये फल है मेष राशि के ऊपर। शनि का दृष्टि, गुरु का स्थिति, और साथ में ये जो मंगल देख रहा है उसका परिणाम। ओके, इसके बाद हम लोग विचार करते हैं कि ये जो मेष राशि में इस समय गुरु बृहस्पति का स्थिति, और अभी जनरली मैं बोला हूं 2 प्रकार का परिणाम आएगा। 2 महीना में गुरु पीड़ित रहेंगे और 2 महीना के बाद गुरु शुद्ध होकर अकेले हो जाएंगे, तो परिणाम क्या रहेगा, तो उस समय का फल को अगर समझना चाहते हैं तो कैसे समझना पड़ेगा। देखिए, पहले 2 महीना अच्छा फल का होप नहीं कर सकते। इस समय गुरु के ऊपर जब पाप ग्रहों का ही दृष्टि पड़ा हुआ है, मंगल का दृष्टि पड़ा हुआ है, केतु का दृष्टि पड़ा हुआ है, फिर इधर से शनि का दृष्टि पड़ा हुआ है, राहु साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ ठीक है, ये 3-4 डिग्री में है, कम डिग्री में है राहु केतु, अभी उनका पावर घटेगा, ये सारा बात एकदम मानता हूं मैं। लेकिन पहले ये देख लेना पड़ेगा कि फल क्या है। तो बृहस्पति मेष राशि में फल, बृहस्पति जब भी मेष राशि में होते हैं, बृहस्पति फल, तो बादी गुणैः संपन्नः प्रयत्न रत्नो भरण संसर्गः स्वत्यार्मजार्त बलयुक्त प्रगल्भ विख्यात कर्मार्च ओजस्वी बहु शत्रु बहुव्ययार्थी ख्याताङ्कित शरीरः चंडोग्रदंडानाथो चंडग्रदंडनाथो जीवे क्रियते भवेत् पुरुषः। फल क्या है आप सुनना। बृहस्पति मेष राशि को अधिकार अधिकार करके बैठते हैं, या जितना समय भी बैठते हैं उसमें मनुष्य के अंदर, क्योंकि द्वादशाधिपति बनते हैं, आके कलह प्रिया प्रयत्न पूर्वकम, चेष्टा करके झगड़ा करने वाला, रत्न लाभकारी, कई प्रकार के रत्न मिलते हैं। और क्या, गुरु बृहस्पति अगर मेष राशि में बैठते हैं तो पुत्र धन बल युक्ता, पुत्र धन और बल इत्यादि का वृद्धि होता है, विशिष्ट औच व्यख्याता, विख्यात बनाता है और विशिष्ट व्यक्तित्व बनाता है, पर्सनालिटी को निखारता है, कर्मी तेजसी, कर्मी बनता है, बहुत सारे कर्म को करने वाला, तेजस्वी बहुशत्रु युक्ता, अब इसमें शत्रु भी बढ़ जाते हैं, प्रचुर अर्थ व्ययकारी, बहुत सारा धन का नुकसान करने वाला ऐसा बनता है, क्षत शरीर, शरीर में बहुत सारी जगह में क्षत लगने का चांसेस रहता है गुरु बृहस्पति के, क्रोधी उग्र दंडाधिकारी, और फिर क्या बनता है, क्रूर बनता है, उग्र दंडाधिकारी बनता है। अब ये दोनों को मिलाइए यहां, तभी इस समय जितने सारे आपको भकवा बना रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घोड़ा डिम मिल जाएगा, छेनागुड़ मिल जाएगा, उनसे निजात मिलेगा। दिस इज द टेक्निकल, और मैं एक जगह से नहीं बता, इतने सारे जगह से बता रहा हूं। तो बाप, सबसे पहला फिर से कह दूं, इसे दोबारा इसलिए बनाया क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा अन्वेषण किया और रिसर्च, हम लोग कौन है करने वाले, हम लोग तो बच्चे हैं, एक धूल का कण भी हमारे पास नहीं है ज्योतिष विज्ञान के असरंती भंडार में से, बड़े बड़े गुरुओं महागुरुओं के चरण की धूल भी नहीं। तो बाप बड़े कंफ्यूज, और बड़े सारे लोग ऐसे प्रश्न किए मेरा वीडियो सुनने के बाद, बड़े सारे क्वेश्चन आ गए, तो मैं बोला नहीं, इसे पहले क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि देखो पहला 2 महीना सबके दृष्टि में रहेंगे, इवन इफ 3 महीना तक जाएगा, तो गुरु अच्छा परिणाम ले दे के 1 महीना ही देने वाले हैं, ये परफेक्ट है। क्यों, गुरु बृहस्पति अभी सबसे बड़े सभी पाप ग्रहों के साथ पीड़ित, अकेले बेटा विवश, मंगल भी देख रहा है और उसका मंगल फल बता दिया, दोबारा बोलने का जरूरत नहीं,
उधर से राहु के साथ बैठे। हाँ अच्छा, वो भी पावर में नहीं है कि राहु में कुछ दामों में हो जाता। और राहु के ऊपर मंगल का दृष्टि प्रभाव, अब उसे निकालो अंगारक जैसे, गुरु और राहु मिला दो गुरु चंडाल में, फिर मंगल हाई भी एक्टिव करवाएगा। शनि दृष्टि दे रहा है, तो शनि और मंगल का दृष्टि जो जगह में गया वहां पर क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन के सिवा और क्या हो सकता है। और ऊपर से देखो गुरु बृहस्पति का फल क्या बता रहा है, और ज्यादा डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के ऊपर डिस्ट्रक्शन। यहाँ हम लोग कितना भी अच्छा अच्छा बोल के परिणाम निकाल दें और बोल दें, आप लोगों को खुश कर दें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर भी दो, परिणाम जब आपके जीवन में घटेगा अगला 3 साल ए 3 महीना, तो खुद अनुभव कर लोगे कि यार आचार्य संजय क्या बोला था। अच्छा उतना ही नहीं, ऊपर से फिर सूर्य आने वाला है, अभी मिसिंग में चल रहे हैं, कन्या में, कन्या पार करेगा 30 दिन में और ये 14 दिन में पार कर जाएंगे, 17 तारीख को सीधा कन्या में पहुंचेंगे। 30 दिन पार किया तो सीधा सीधा दृष्टि गोचर होने लगा मेष राशि के ऊपर, उच्च का दृष्टि रहेगा, लेकिन वो घर का हालत पहले से मतलब प्रोबाबली ठीक नहीं रहेगा। और यहाँ गुरु बृहस्पति का फल को जब आप विचार में लाते हैं, चिंतनीय और विचारणीय विषय है कि अभी जो अभी राशि फल में बताने जाऊंगा, ये हर एक राशि के लिए अलग अलग, तो ये दो हिस्सा में बताया जाएगा। एक जो बुरा परिणाम रहेगा वो पहला 2.5 महीना तक, क्योंकि 45-45-90 दिन तो मंगल छोड़ने वाला नहीं है, यहाँ अपने घर को देख के भी यहाँ राहु और बृहस्पति को देख के बुरा फल करवाएगा। तो सबसे पहला ये प्लेटफॉर्म है, इसमें किसी राशि का बात नहीं कर रहा हूं, यहां से मैं सीधा जाता हूं नक्षत्र का, जो 3-3 मिनट का मैं अलग वीडियो दिया था उसके ऊपर थोड़ा सा आप जरूर आलोकपात करें कि नक्षत्र के अनुसार मेष राशि में बकरी ग्रह का परिणाम क्या होने वाला है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ठीक है कई सारे जगहों से धन प्राप्ति होगा लेकिन अतिव्यय भी होने वाला रहेगा। तो जो भी राशि फल रहेंगे उसमें फर्स्ट हाफ इज नॉट सो गुड एंड सेकेंड हाफ, यानी जो जब गुरु शुद्ध हो जाएंगे तभी सारा उत्तम फल का आशा करना चाहिए। और इस समय क्योंकि गुरु के ऊपर इतने सारे प्लैनेट का दृष्टि रहेगा, राहु के ऊपर दृष्टि रहेगा, तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल का आशा करके वृथा चिंतन नहीं करना चाहिए। और देखो सबसे पहला जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनको या हवन इत्यादि कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनको पता चलेगा, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको क्या पता चलने वाला है। तो जो लोग इस समय हवन इत्यादि कर रेगुलर करने वाले लोग हैं वहां पर डिस्टर्बेंस आएगा और बहुत सारे बाधा विघ्न आएंगे, जुगाड़ नहीं मिलेगा, और ये थोड़ा सा इस कंडीशन पे कहीं ना कहीं परिणाम तह उतना बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन इसमें डराने और रीढ़ होने का कोई विषय नहीं है। ये जो अगला पूरा 3 महीना है बहुत सारे पार्वण्य का, बहुत सारे पर्व आदि का महीना है, और जैसे जैसे इन सब को आप लोग एडॉप्ट करते हुए चलोगे, जैसे गणपति जी का पूजा है, विश्वकर्मा जी का पूजा है, राधाष्टमी है, जन्माष्टमी है, फिर नवरात्र आ जाएगा, फिर देवी शयन इत्यादि आ जाएगा, ये सारे जब आप करते करते चलोगे तो इसका दुष्परिणाम भी घट जाएगा, इसलिए इसमें वरिड होना नहीं है। आगे सुनिए राशिफल, ये गुरु बकरी और उसके ऊपर दृष्टि प्रभाव, इनको विचार करते हुए, और बार बार फिर से कह रहा हूँ पीछे चले जाना, नक्षत्र का तीनों फल बताया हूँ, दोबारा यहाँ ला के इसको और लंबा करना नहीं चाहता हूँ, कि गुरु बृहस्पति बकरी और मार्गी में जो अभी अश्विनी और भरणी में गोचर कर रहे हैं उस दोनों का मैं निकाल दिया हूँ, छोटा वीडियो है, थोड़ा सा पीछे चले जाओगे 5 दिन पहले का वीडियो है, इसको जरूर देख लें, समझ जाएं, ताकि मेरा राशिफल आपको समझ में आएगा। अदरवाइज कुछ थोड़ा इधर उधर बोलूंगा तो बोलेंगे वो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, वो वैसा बोला, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैं इस बेस पे कह रहा हूँ, इस धरातल पे कह रहा हूँ, ये तर्क के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों को मिलाने के बाद राशिफल कहना पड़ता है। कौन क्या वीडियो में छोड़ा, राहु कमजोर हो गया, केतु कमजोर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है वो सब नमस्य है, सभी ज्योतिष को नमस्कार धन्यवाद, लेकिन आप मुझे उनका वीडियो देख के अगर प्रश्न करने लग जाओगे तो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेबल रहेगा। वो बेचारे ज्ञानी महात्मा लोग हैं, हम तो चरण के धूल बराबर हैं, तो हम उनके साथ कहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है ठीक है पुराने हैं, महात्मा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, दाढ़ी बाल पक गया है, हमारा भी पक जाता, नेचुरोपैथी वाले हैं, आज आयुर्वेद वाले हैं, जड़ी बूटी खाने वाले हैं इसलिए नहीं पका है, और एस्ट्रोथेरेपी है साहब तो नहीं पका, नहीं पका, और बड़ा छोटा छोटा अक्षर के लिए देख लेते हैं, अदरवाइज इसका भी जरूरत नहीं है, जनरली नहीं बनाते हैं इसके,
बहुत माइक्रो जो बहुत पुराना पुस्तक है, वो एकदम पुराना जो छपा वाला किताब है और ताल पोता पोती है, वो थोड़ा सा सही से नहीं देखेंगे, उच्चारण गलत हो जाएगा, इसलिए अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग दिए हैं उनका मत ठीक है, मेरा भी मत उनके आसपास रहेगा, कुछ एक दो मत इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए आपको इस विषय में लटकना नहीं है। राशिफल देखो, आगे चलो, राशिफल ही सब फलित होगा, ऐसा किसी का नहीं होता है। और ये डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में अगर दशा अंतर दशा और इस समय आपके कुंडली में भी राहु गुरु का भी युति बन रहा हो कहीं से, या मेष राशि में बन रहा हो, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा फोकस करना, ज्यादा परिणाम प्लस और माइनस हो सकता है। फिर से कह रहा हूं, गोचर केवल हम लोग इंगित करते हैं कि देखो ऐसे ऐसे घट सकता है। अभी जैसे बोल रहे हैं कि मेष राशि के ऊपर इनका इनका दृष्टि होने से मुंह में छाले घाव, तो खाली मेष राशि का, आप देखो मेरा चैनल मकर राशि का भी हुआ है, परिणाम तो उनको भी मिल रहा है। मेष राशि, मकर राशि का मन है तो उसमें ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ऐसा कदाचित नहीं है कि खाली मेष राशि को खराब फल मिलेगा या अच्छा फल मिलेगा, या मेष राशि के लिए अच्छा है और बाकी लोगों को बुरा है। हेवी प्रेशर रहता है, इतना सारा प्लैनेट जब दृष्टि ऑस्पेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, फल कोई फोकस एंड कंसेंट्रेट लेवल पे नहीं मिलता है। अभी शनि मकर कुंभ में चल रहे हैं, कंसेंट्रेट फल मिलेगा, लेकिन अभी मकर राशि में बोलो पांच ग्रह का दृष्टि है, क्या होगा? फिर आगे बोलोगे देखो वहां केतु बैठा है तुला राशि में, और फिर अभी मंगल आने वाला है, पीछे से शुक्र पार कर क्रॉस करेगा, फिर बुध क्रॉस करेगा, सूर्य क्रॉस करेंगे, हाँ, तो उसमें क्या होता है, फल मिक्स हो जाता है। कोई बहुत अगर हम लोग अलग अलग का भी देखिए, जैसे अभी बुध का टाइम नहीं मिला, बुध का बनाने वाला था बकरी मार्गी का, तो ये जो भी फल यहाँ पर बनेंगे वो खिचड़ी वाला फल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रह सस्टेनेबल रेट में मूवमेंट नहीं कर रहे। अभी सोचो बुध बकरी मार्गी हो जाएंगे, बकरी कितना दिन के लिए, बकरी कितना दिन के लिए मार्गी, फिर से स्टैग्नेंट, फिर से तो बेचारा वो अपना स्थिति बिगड़ा हुआ बिगड़ा के रखा है, वो फल क्या कर लेगा? और किसी को फल करने के लिए एक एक स्टेबिलिटी चाहिए होता है। हाँ, ये जो तुरंत भागने वाला, जैसे शुक्र बकरी मार्गी हो गए, बुध बकरी मार्गी हो गए, होता है, लेकिन वो इतना जल्दी आपके जिंदगी में परिलक्षित नहीं होता है। ओवरऑल पर लिखित होगा, बुध बकरी हो गए, मार्केट डाउन चला, बुध स्टैग्नेंट हो गए, मार्केट जीरो पे आ गया, फ्लो ऑफ मनी घटने लगा, मूवमेंट करने लगे, अतिचारी हो गए, बम बमा के मार्केट बढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आया, आया राम गया राम, हो गया जीरो, शाम तक गल्ला निकाल के देखता है कि यार आया था तो बहुत, गया कहां, अरे वो तो EMI भर दी, ऐसा रिजल्ट होता है। तो ऐसे रिजल्ट को क्या करें, उसमें आप फोकस करके क्या करोगे? समझ भी लोगे तो जब तक समझोगे तब तक वो हाथ से निकल चुका है, क्यों? फास्ट मूवमेंट है, ये फास्ट मूवमेंट प्लैनेट है। जैसे चंद्रमा को समझना बड़ा जरूरी है कि एक दिन का प्लानिंग कर लें, तो ये गुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि के साथ ये जितने भी संपर्क हैं, अभी जो आगे राशिफल 4 महीना के लिए दे रहा हूं, ये आसपास ऐसा ही मिश्रित फल होने वाला है। इसमें जो लोग भी, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग आशा बांध के बैठे हैं कि अक्टूबर के बाद कुछ उखड़ जाएगा, फट जाएगा, बन जाएगा, जरूर, लेकिन अक्टूबर से ही आप आशा बांध के मत बैठो कि अक्टूबर 30 तारीख हुआ, राहु भागा और एंटर बटन दबाया, धड़ाम जमाटो वाला पहुंचा दिया तुमको पास टमाटो और खा लिए खुल की, नहीं, ऐसा नहीं है, पेशेंस। हाँ, मनोवैज्ञानिक लेवल में परिवर्तन दिखाई देगा, बुद्धि सुधरेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि राहु को शुद्धि करना, इतना दिन पकड़ लो, जैसे स्पेशली मकर के लिए, स्पेशली तुला के लिए, स्पेशली मेष के लिए, स्पेशली ये तीनों के लिए स्पेशली, क्योंकि जब तक वो राहु शुद्धि आप नहीं करते हो वहां आपके मन को, तब तक आपको कोई बहुत उत्तम और अच्छा फल नहीं दिखाई देगा। किसी किसी का ऑटो क्लीनिंग हो जाता है, अलग बात है, लेकिन जिसका ऑटो क्लीनिंग नहीं होता है, उस प्रकार का कुंडली नहीं है जो ऑटो क्लीनिंग कर दे, कुछ प्राइवेट मतलब करप्ट फाइल या वायरल फाइल या ऐसे जिसको बोलते हैं अननेसरी स्पेस लेने वाला फाइल राहु बनाता है, तो उस समय आप ये आशा करोगे कि अब अक्टूबर तो हो गया, हमको तो अच्छा बोले थे, नहीं हुआ, ये कंडीशन नहीं होगा, उसको फिर क्लीनिंग का मैं अलग वीडियो बना के दूंगा, कैसे क्लीनिंग करना पड़ेगा। और जैसे कल बता रहा था कि कांच के ग्लास को लेके कांच लोहा डाल दिया, अब उसको कौन निकालेगा? उसको निकालेगा मैग्नेट, वो जितना भी है। अच्छा, ऐसे ही शनि माने लोहा,
अच्छा शनि माने तेल भी है, तो जितना तेल का स्टॉक है कौन निकालेगा, आपके लिए प्रश्न है, बताना। आपके आज तक नहीं सुने होंगे वो फॉर्मूला बताऊंगा। चलिए तो आगे राशिफल में चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।